थाना चकेरी में एक बार फिर दो पक्षों में बवाल, एक व्यक्ति की मौत और कई लोग घायल। कानपुर के वाजिदपुर में बीते दिनों दीपू और अमान का झगड़ा पानी के छींटे पड़ने से मामूली कहा सुनी हुई थी। कहा सुनी के बाद आवेश में आए अमान और उसके साथी लाल, जो कि राजा बुकर का भाई है और कुछ सिपाहियों के संरक्षण में रहता है, वाजिदपुर में जुए की बुक लगवाता है। उसने अपने कुछ और साथियों को अपने बुकर भाई की मदद से बुलाया और अपने मित्र सिपाहियों से बात करके कुछ सिपाहियों को शामिल करके पिंटू पर दोबारा हमला बोल दिया। पिंटू पर हमला होने की बात फैलते ही पिंटू व पिंटू के गांव के लोग भी आ गए। पिंटू को देखते ही अमान और लाल अपने साथियों के साथ मिलकर पथराव शुरू कर दिए। तभी वहां लाल को संरक्षण देने वाले सिपाही भी पहुंचे। पथराव पर काबू नहीं कर पाने वाले सिपाहियों ने आला अधिकारियों को सूचना दी कि दो समुदाय का झगड़ा हो गया है। तब कई थानों के फोर्स के साथ पहुंचे आला अधिकारियों ने पहुंचकर मामले को शांत करवाया। आपको बता दें, आसपास की क्षेत्रीय जनता का कहना है, यदि मौके पर जाजमऊ चौकी प्रभारी होते तो इतना बड़ा बवाल कभी नहीं हो सकता था। क्षेत्र में जाजमऊ चौकी प्रभारी की अपराधियों में काफी दहशत है। भाई दूज और क्षेत्र में और भी कई गंभीर झगड़े होने की सूचना पर चौकी प्रभारी फंसे थे। लाल के चहेते सिपाहियों की वजह से एक मासूम की जान चली गई। यदि सही जांच होती है तो लाल के द्वारा कॉलोनी में जुआ और बुक लगाया जाता था और कुछ सिपाहियों को लाल के साथ में अक्सर देखा जाता था। पहले भी कई झगड़े हुए हैं, लेकिन उस सिपाहियों के आशीर्वाद से सब सही हो गया। आरटीआई न्यूज 24 की स्पेशल रिपोर्ट। दीपक, दीपक, तुम्हारा मरने वाले से क्या संबंध है? क्या घटना हुई थी कल? मेरा छोटा भाई है। कल क्या हुआ था? हम घर आ रहे थे, इन लोगों ने हमें जानबूझ के रोक के जबरदस्ती मारी है, बस और कोई घटना नहीं। क्या किस तरीके से मारपीट किया इन लोगों ने? आधा गुम्मा, डंडा, लाठी, बेल्ट, हर तरीके से, जो क्योंकि एक आदमी था नहीं, बहुत से आदमी थे, तो जो जिसके हाथ में था उसी तरीके से मारी है। क्या पुलिस के सामने भी मारा इन्होंने? पुलिस 100 नंबर आई, खड़ी थी चौराहे पे, दो दो बाइक थी, उसमें दोनों में दो दो सिपाही थे। उसके बाद जब वो लोग गुम्मा पत्थर चला रहे, सिपाही अपनी गाड़ी पे बैठे। हमारे पहले बड़े वाले लड़का का मारा है, बहुत मारे नि दैया रे, यो सब फोरी डारे नि दैया रे, फोन करा तुम्हारे भाई का मारी रे दैया, तब चले गए बच्चा पौ का भाई मारा जाई तो खूब ना देखी दैया रे। देखिए, जो भी घटना हुई बहुत दुखद है और तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो लोग अभियुक्त इसमें इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है और जो मुख्य लोग आरोपी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ और का भी नाम बताया जा रहा है तो उनको भी अरेस्टिंग की कार्रवाई जो है की जा रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और एहतियातन मौके पे सफिशिएंट फोर्स भी है, मैजिस्ट्रेट भी लगे हुए हैं और परिवार और उनके समुदाय के लोगों के साथ लगातार जो है हम लोग संपर्क में हैं इन चीज़ों पे। और जो चीज़ें एक अवैध लोगों को आके बसना इस कॉलोनी में बताया जा रहा था उस पर भी केडीए के टीम के द्वारा जो है इसकी इंक्वायरी करा के सत्यापन कराई जाएगी। कोई भी अगर गलत तरीके से कहीं रह रहा है तो उसके विरुद्ध जो भी नियमानुसार कार्रवाई है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी चीज़ों पर और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए गए हैं चीज़ों पर। इंक्वायरी का है वो FIR हो चुकी है और उस पर आगे जो है कार्रवाई हो रही है। उस पर केडीए के द्वारा जो इसके सर्वे कराया जाएगा आगामी कुछ दिनों में और जो गलत आवंटी होंगे, जो गलत तरीके से रह रहे होंगे, तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कल वाजिदपुर गांव में झगड़े में पिंटू नामक व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में हो गई थी, जिसके आक्रोश में उनके परिजनों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर जो है बॉडी को सड़क पर रख दिया था। बाद में सारे अधिकारियों के समझाने बुझाने पर वो लोग जो है अंतिम संस्कार करने पर राजी हो गए हैं और आपके सामने इस घाट पर वो लोग अंतिम संस्कार भी कर रहे हैं। मौके पर पुलिस फोर्स का बंदोबस्त अभी भी जारी है। एहतियातन शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए हमने पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया है और इस प्रकरण में हम लोगों ने अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी की है।
देखिए, कल एक मामूली सी बात को लेकर के दो पक्षों में झगड़ा हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इसको लेकर के FIR दर्ज की गई है और चार लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर शांति है, एहतियात के तौर पर काफ़ी फोर्स यहां पर लगाया गया है। हम और कमिश्नर साहब ने आकर के परिवार से बातचीत की है और परिवार को पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है और हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि इसमें जो भी अपराधी सम्मिलित रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।